हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं। और एक बात कहें, एक मिडिल फैमिली में अगर सेक्रीफाइस करना होता है ना कभी कभी, तो कुछ हद तक कभी कभी महिलाएं ही करती हैं। जैसे मान लो कि किसी मिडिल फैमिली में, ठीक है, एक पत्नी के रिलेशन में या किसी की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है ना, मैंने इसे सुना इसलिए हम आपको बता रहे हैं, तो उनके जो पति होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि मतलब पहले के बता रही हूँ, अब का तो पता नहीं, पहले के लोग तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे कि छोरो मायके में क्या जाना है ना। पर यही अगर पति के घर में अगर कुछ ऐसा होता है, उनके घर में कुछ रिलेटिव में अगर कुछ इनको साथ इनकेस कुछ हो जाता है, तब तो वो सारे काम को पड़े रख कर वो फटाफट जाते हैं और देखते हैं, है ना। ऐसा अब होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर हमने ऐसा सुना है, तो मुझे बहुत गलत लगा। और कभी कभी तब मैं भी सोचती थी ना कि क्या हमारे साथ भी जो हम सुने हैं देखे वही हमारे साथ भी होगा, है ना। तो जब हमने यही सोचा था, फिर जब हमारी शादी हुई तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, बल्कि ये गलत धारणाएं, शायद ये पहले के लोग करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब जितना इम्पोर्टेंट वो अपने फैमिली को देती हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट पति पत्नी के परिवार को भी देता है, और तभी तो पत्नी भी आपके परिवार को देगी ना, है ना। और काश अगर ये पहले अगर ऐसा हुआ होता, तो पहले के जो घर थे वहाँ की जो औरतें होती थी ना, बहुत कुछ सुनकर डर कर बहुत जीती थी, बहुत रहती थी। पर आज की महिलाएं ना नहीं रहती हैं, और खासकर गलत बातों पर तो बोलती ही बोलती, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि गलत बोलना और गलत सहना ये दोनों गुनाह होता है, गलत होता है ना। इसलिए जितना आपके परिवार का इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक महिला के परिवार में भी इम्पोर्टेंट। अगर मान लो उनके परिवार को कुछ होता है इन केस, तो उसका जाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके परिवार का। इसलिए पत्नी को भी पति के घर वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और पति को भी पत्नी के घर वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। हम अपने समय में हमने ऐसा सुना था, इसलिए आपसे हमने कुछ बातें शेयर की, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हर बात आप लोगों से शेयर करूं, मुझे बस कुछ बात याद आई, कुछ क्लू याद आया, तो इसलिए हमने आपसे शेयर किया, है ना। पर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ, और माता रानी की बहुत कृपा मानती हूँ, और सबसे ज़रूरी जो मेरे पिता ने इतना हम सफ़र हमें दिया, तो उनको भी कोटि कोटि मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और जितना भी उनके लिए मैं बोलूँ कम है, क्योंकि कहते हैं ना, एक पिता तो अच्छे से अपने बेटी का शादी विवाह सब करता है ना, पर कहते हैं ना कभी कभी लड़की का भाग्य भी बहुत बड़ा होता है। तो मुझे अपने भाग्य का तो पता नहीं, मेरी भाग्य लिखने वाले तो वो माता रानी है, जिसने जैसा लिखा हमने उसको एक्सेप्ट किया। और मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे पति हर एक छोटी बात मुझे बोलनी नहीं पड़ती है, वो बिन बोले ही मेरी बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हमारे बच्चों को, हमारी, हमारे परिवार वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि हर महिला को आप ऐसे ही हम सफ़र दीजिएगा, ताकि एक दूसरे का दोनों ख्याल रख सके, दोनों कद्र कर सके, है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर लाइफ में सुखी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं परिवार में, तो कहते हैं ना, हम कोई अच्छा हो ना हो, पर हम सफ़र अगर साथ हो ना और अच्छा हो ना, तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि प्रॉब्लम को ना दोनों एक दूसरे से हंसते हंसते और अच्छे से निकल जाता है, और पता भी नहीं चलता, क्योंकि परेशानियां तो आती है, हर किसी के में आती है ना। कहते हैं जहाँ सुख है वहाँ दुख तो आएगा आएगा, तो इससे डरना नहीं चाहिए। पर यदि आपका अगर हम सफ़र अच्छा है ना, तो आप हर मुश्किल में भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, और आप हंसते मुस्कुराते आपका जो परिवार है खुशहाल से रहेगा, और किसी को भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि आपका हम सफ़र ऐसा होना चाहिए कि आपके परिवार को भी मान सम्मान दे, और अपने परिवार को भी मान सम्मान दे, और साथ साथ सबसे ज़रूरी एक दूसरे का मान सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी हम क्या कहना चाहते हैं, और यदि अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।